जैसे ही मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपसे लाइव मिलूंगा, तो 8 बज गए हैं, मैं लाइव आपके सामने हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। मैं कुछ खास विषय पर आपके सामने आज बात रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपके सामने विषय रखा था कि आज का विषय रहेगा समाज से या देश से, भारत से जाति और धर्म की राजनीति को कैसे दूर किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए। क्या यह संभव है प्रैक्टिकली कि जाति और धर्म की राजनीति दूर की जा सकती है, जाति और धर्म की राजनीति खत्म की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो इस हफ्ते का टॉपिक के लिए मैंने फेसबुक पर रिक्वेस्ट मांगी थी काफी लोगों से कि आप लोग क्या कहते हैं, किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और जब लोगों से रिक्वेस्ट की गई तो लोगों ने ना जाने कितने टॉपिक, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरी टीम ने मुझे वो भेजे, तो लगभग 50-60 टॉपिक ऐसे थे जिन पर लोगों ने मेरे से चाहा था कि मैं अपनी राय रखूं और उन विषय पर मैं लाइव आऊं। कई विषय ऐसे भी थे जो राजनीतिक विद्यार्थी के लिए शायद उतने महत्व के नहीं या उतने काम नहीं आएंगे आपको राजनीति में सफल होने के लिए। लोग मेरी राय जानना चाह रहे थे कई विषयों पर, तो आने वाले समय में आपको राय भी दूंगा अलग अलग विषयों पर। बट आज एक खास, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि जब मैं लाइव आऊं तो मैं चाहता हूं कि राजनीतिक विषय पर बात हो, जिससे एक भविष्य के राजनेता को राजनीति में आगे बढ़ने में, सफलता प्राप्त करने में कुछ मदद मिल सके। तो आज का विषय पर आते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, क्या भारत से जाति और धर्म की राजनीति समाप्त की जा सकती है या नहीं की जा सकती। पहले तो मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। दोस्तों यकीनन ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। की तो जा सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि समस्या क्या है, दो बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो यह है, हम में से मैक्सिमम लोग दोगले हैं, हम लोग दो चेहरे रखते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। एक वो बात है जो हमारी समाज के लिए है, मोहल्लों के लिए, लोगों के लिए है, और एक वो बात है जो हमारी अपने लिए, अपने घर में। हर कोई चाहता है कि समाज से जाति धर्म का भेद खत्म होना चाहिए, जाति और धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उसे घर से खत्म नहीं करना चाहते। क्या कोई ये इनिशिएटिव लेगा कि मैं अपने बच्चों की शादी बिना कुंडली देखकर, बिना जाति धर्म देख करके करूंगा? नहीं लेगा ये इनिशिएटिव, क्योंकि हमारा समाज ऑलरेडी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत ज्यादा बटा हुआ है, और इस भेदभाव को, इस बंटवारे को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। और राजनीति राजनीति कोई समाज के मुद्दों से अछूत या अलग नहीं होती है। राजनीति में वही मुद्दे उठाए जाते हैं जो समाज के मुद्दे होते हैं। और आपको एक बात बताऊंगा, राजनेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जी हाँ, राजनेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। राजनेता केवल वही मुद्दे उठाते हैं जिन्हें उन्हें पता होता है कि हम उनमें बटे हुए हैं। वे जाति धर्म का मुद्दा क्यों उठाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का समाज जाति और धर्म में बटा हुआ है। लेकिन ये तो समस्या है, समाधान की बात करते हैं कि आखिर कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या ये हो भी सकता है नहीं, और अगर होगा तो कैसे होगा। दोस्तों तीन बड़े काम हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, और वो राजनेता जो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, जो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करिए, आप अपनी जाति और धर्म के लोगों को छोड़ करके दूसरी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करना, उनकी मदद करना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर समस्या क्या आती है, शुरुआत इंसान अपने समाज के लोगों से ही करता है, अपनी जाति अपने धर्म के लोगों से ही करता है, उनकी मदद करता है, उनके साथ रहता है, उनका काम करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी छवि उस धर्म के, उस जाति के राजनेता की बन जाती है, ना चाहते हुए। हो सकता है वो नहीं चाहता हो ऐसा, वो पर्टिकुलर जाति से, और वो नहीं चाहता कि मैं केवल उस जाति की राजनीति करूं, लेकिन समस्या क्या है, ज्यादातर लोग उसी की जाति के उसके साथ शुरू में जुड़ेंगे, ज्यादातर लोग उसी के धर्म के उसके साथ होंगे, जिस मोहल्ले के होंगे वो अपने धर्म के लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ऐसा ऐसा समूह में या उसके टीम में ज्यादा डोमिनेट करने वाले लोग उसी जाति धर्म के होंगे जिसका वो खुद है। अब होगा क्या, उसकी छवि एक धर्म की या जाति के राजनेता की बन जाएगी। तो ये छवि ना बने इसलिए शुरुआत क्या करें, कोशिश करें अपने धर्म जाति के लोगों को छोड़कर दूसरे धर्म जाति के लोगों की मदद करना शुरू करें, उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को सुनें, आखिर जानने का प्रयास करें उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और जब जब आप दूसरी धर्म जाति के लोग की मदद करेंगे, अपने से अलग जाति धर्म के लोगों की मदद करेंगे, हो सकता है शुरुआत में लोग आप पर विश्वास ना करें। हाँ संभव है, हो सकता है शुरू में लोग कहें नहीं यार ये तो हमारी जाति का नहीं है, ये तो हमारे धर्म का नहीं है, क्या ये हमारी समस्या सुनेगा, क्या ये वाकई न्यूट्रल लगे, ऐसे तो नहीं राजनीति कर रहा है। आपने क्या करना है, बिना ये परवाह किए कि लोग क्या कहते हैं, आपने उनकी समस्याएं सुननी है, और समस्याएं सुन करके जितना समाधान कर सकते समाधान करिए, और ज्यादा ज्यादा उन लोगों को अपने साथ रखिए, उनकी मदद करिए, उनको सफलता प्राप्त करने में मदद करिए। और एक ही मानिए दोस्तों, आहिस्ता 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 आपकी छवि सभी धर्म के लोगों के काम करने वाली, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर चलने वाले नेता की बनेगी, और यह छवि लॉन्ग टर्म में बड़ी काम करेगी। समस्या क्या है, लोग शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट ढूंढते हैं राजनीति में सफलता प्राप्त करने का। जाति और धर्म की राजनीति करना एक शॉर्टकट है कि बस अपने धर्म जाति के लोगों से जुड़ो और कोई भी जुड़ जाएगा और फिर राजनीति करनी शुरू कर दो।
मैं चाहता हूं आप एक परिपक्व राजनेता बने, आप एक ऐसे मजबूत राजनेता बने जिनका अपना जनाधार हो, जिससे लोग कनेक्टेड हो। और जब आप जनाधार वाले नेता होंगे, ऐसे नेता होंगे जो हर जाति हर धर्म के लोग आपके समर्थन कर रहे होंगे, तो यकीन मानिए ये राजनीति लंबे समय तक चलने वाली राजनीति होगी और आप एक मजबूत राजनेता बन पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूं अपने सेशन में, और ये सच्चाई भी है, धर्म और जाति की राजनीति अगर कोई राजनेता करता मिले तो समझ लेना वो कमजोर राजनेता है। केवल कमजोर राजनेता ही धर्म और जाति की राजनीति करते मिलेंगे, मजबूत राजनेता कभी भी धर्म या जाति की राजनीति नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी राजनेता हो सकता है उसकी छवि हो। तो अपनी छवि ऐसी ना बनने दें, पहला प्रयास ये करें दूसरी धर्म के जाति के लोगों से मिले और उनकी मदद करें। दूसरा काम क्या करें, अपने मन में किसी भी जाति धर्म या भाषा क्षेत्र किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति किसी धर्म समुदाय के प्रति कोई भेदभाव या प्रिजर्वेशन ना रखें, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। कई बार हम कहते हैं इस जाति के पर्टिकुलर जाति के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस धर्म को मानने वाले लोग बेकार होते हैं, इस जाति के लोग बेकार होते हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर जाति के लोग जब आपको मिले हो और उनमें से ज्यादा लोग बेकार हैं, संभव है, लेकिन अगर आपको 50, 100, 500, 1000 लोग भी एक पर्टिकुलर जाति खराब मिल गए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी जाति खराब हो गई, उस जाति के मानने वाला हर व्यक्ति खराब हो गया, उस धर्म के मानने वाला हर व्यक्ति खराब हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। अच्छे और बुरे लोग कहीं भी मिल सकते हैं, एक पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। हम लोग क्या करते हैं, प्रियजन करके चलते हैं, और मैं देखता हूं देश में ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं जब मिलते हैं तो सबसे पहले उसने आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, और उससे एक आइडिया लगा लेते हैं कि सोच क्या होगी, इसका विचार क्या होगा। अच्छी जाति में बुरे लोग हो सकते हैं, बुरी जाति में अच्छे लोग हो सकते हैं, और मैं कहता हूं कोई भी जाति या धर्म खराब नहीं है, हर धर्म में अच्छाई है, कोई धर्म बुराई की बात नहीं करता, कोई जाति बुराई की बात नहीं करती, कोई जाति भेदभाव की बात नहीं करती। प्रॉब्लम क्या है, उसको मानने वाले कुछ लोग जो संकीर्ण मानसिकता के हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को इतना फैला देते हैं, उसका इतना प्रचार प्रसार करते हैं, और उन घटनाओं का भी, मानो किसी पर्टिकुलर जाति के किसी व्यक्ति के साथ एक भेदभाव किसी दूसरी बड़ी जाति वाले ने कर दिया, अब इसको एक ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाएगा, एक अपर क्लास ने लोअर क्लास के साथ, इस जाति के व्यक्ति ने इस जाति के साथ, इस धर्म के लोगों ने इस धर्म के साथ इस तरह का भेदभाव किया। वो एक इंडिविजुअल केस है, हमें हर एक को एक केस करके इंडिविजुअल केसेस के रूप में देखना पड़ेगा, और हमें खुद अपने मन से, कहने के लिए नहीं, मन से इस भेद को मिटाना पड़ेगा। और दोस्तों वैसे भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है, काम के आधार पर, कर्म के आधार पर व्यक्ति छोटा बड़ा बनता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, यदि आप अच्छे काम करेंगे, तो चाहे आपका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, चाहे आप किसी भी धर्म में रहे हो, यकीन मानिए लोग आपका समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे, और एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी, आप एक महान नेता, एक सफल राजनेता कहलाएंगे। और यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, यदि आप भेदभाव करेंगे, यदि आप मन में मैल रखेंगे, हाँ आपके मन में क्या है, क्योंकि शब्दों की बात नहीं है, बात मन की है, यदि मैं किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव कर रहा होता हूं या मन में मैल रखता हूं, तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा, कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा, और जिस दिन आ जाएगा उस दिन मेरी जितनी भी छवि बनी होगी वो सब खराब हो जाएगी। बेहतर क्या होगा, अपने मन से उस मैल को निकालिए, इस बैर को निकालिए, इस प्री एजम्पशन से, इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए कि लोग इस जाति के खराब है, इस धर्म के खराब है। अच्छे और बुरे लोगों को अच्छा और बुरा कहिए, अच्छे को अच्छा कहिए, बुरे को बुरा कहिए, उसकी जाति को मत जोड़िए उसके साथ। मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे कहिए कि शाहनवाज चौधरी ने गलत किया है, लेकिन मेरी जाति के लोगों को बोलना, मेरे समाज के लोगों को बोलना, मेरे धर्म के लोगों को बोलना, या मैं आपको कहूं तो बुरा लगेगा, उन लोगों को बुरा लगेगा। उन लोगों का क्या दोष है जो उस जाति में है, उस धर्म में, और अच्छे हैं? उस धर्म का मानने वाला कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, कुछ 10, 20, 50 लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा धर्म पूरी जाति खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। और जब इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलेंगे, तो अब यकीन मानिए जब आप मन से इस मैल को निकालेंगे, आपको उस जाति में जिसमें आपको लगता था कि बुरे लोग हैं, उस धर्म में जिसमें आपको लगता है कि बुरे लोग हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा काम क्या, कोशिश करिए अपने आप को एक रंग में रंगने की, देश को एक रंग में रंगने की। हमने इसका प्रयास किया, कैसे, हमने तय किया कि जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, बात करते हैं, या हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़िए। अब क्या हो रहा है, एक रूपता आ रही है। मेरा नाम आपने देखा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह मेरा नाम शाहनवाज चौधरी भारतीय मिलेगा। मैंने कोशिश की कि भारतीय नाम लगाया जाए, और ये मुहिम ने असर किया, और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग इस मुहिम को फॉलो कर रहे हैं, और भी आगे लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा भारतीय, जो भी शब्द लगाए, कोई एक रूपता लाने की कोशिश करें, इस जाति के भेद को मिटाना आवश्यक है। और मैं तो समझता हूं आइडियल सिचुएशन कब होगी, आइडियल सिचुएशन तब होगी जब हम अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखें जिससे उनकी जाति धर्म का बोध ना होता। इसलिए मैंने कोशिश की, मैंने अपने एक बेटा और बेटी है, मैंने बेटे का नाम अयान रखा, बेटी का नाम आलिया रखा। अयान और आलिया ये नाम हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी वाले लोग भी रखने लगे हैं। तो कोशिश की गई कि ये भेद मिटाया जाए, शुरुआत की गई कहीं से। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकली करना शुरू करिए, बोलना बंद करिए,
हम सब चाहते हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटिंग नहीं हो, समाज से जाति धर्म का भेद मिटना चाहिए, बट हमने उसके लिए किया क्या? हम क्या कर रहे हैं ऐसा जो लोगों के लिए एक आदर्श बने? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग हमारा एग्जाम्पल दें? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो इस भेद को मिटाया जाए? और दोस्तों एक बात बोलूंगा आपसे, क्योंकि वही सवाल जवाब भी लेने आखिरी बात है आप सबके लिए, आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को सुनेंगे, सबके लिए एक मजबूत संदेश है। एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं आप सबके लिए, यदि आप जाति धर्म के भेद को मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी भागीदार हैं जाति धर्म के भेद को बढ़ाने के लिए। या तो आप समस्या का हिस्सा है या आप समाधान का हिस्सा है, और यदि दोनों में से आप कुछ नहीं है तो आप भी समस्या है। जी हाँ, शिवखेड़ा साहब ने कही थी, आप भी समस्या है। तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है आप केवल दूसरों को दोष दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं केवल आप चाह रहे हैं कि दूसरे मैं करूं, दूसरा करे, पड़ोसी करे। वो कहते ना, देश का हर व्यक्ति चाहता है देश का बच्चा बच्चा भगत सिंह बने, लेकिन पड़ोसी के घर में बने। मेरा बच्चा तो आईएएस बनेगा, मेरा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी का पड़ोसी को भगत सिंह बनाएंगे? नहीं दोस्तों, हमें इस भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। और यदि वाकई आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको वाकई लगता है कि हमें जाति धर्म के भेद को राजनीति से मिटाना है, वाकई अगर लगता है कि राजनीति में बड़ा बदलाव करना है, इस जाति धर्म की राजनीति को खत्म करना है, तो पहले इसकी शुरुआत समाज से करिए। और जब समाज से बदलाव होगा, जब समाज बदलने लगेगा, जब समाज में जाति धर्म का भेद खत्म हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं राजनीति से भी अपने आप खत्म हो जाएगा। जी हां, जिस चीज की भी बदलाव की शुरुआत आप राजनीति में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत समाज से करिए। क्योंकि दोस्तों राजनेता को हिमालय पर्वत से उतर कर नहीं आते हैं, राजनेता भी हमारे समाज का हिस्सा होते हैं, और राजनेता इतने इंटेलिजेंट होते हैं वो उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो समाज के मुद्दे होते हैं। समाज में हम जिस आधार पर बटे होते हैं, राजनेता वही मुद्दे उठाते हैं। और देखिए, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, जब हमारा लिटरेसी रेट बढ़ता है, वहां लोग धर्म और जाति की राजनीति नहीं कर पाते, चाहकर भी नहीं कर पाते। और मैं जानता हूं कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरा देश घूमता हूं, लगभग 18 राज्य में घूम चुका हूं, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखता हूं, वहां यदि कोई राजनेता जाति या धर्म के बारे में कोई भेदभाव वाला शब्द बोल दे, कोई स्पीच दे दे, उसकी पूरी पार्टी वहां हार जाती है, वो चुनाव नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि उसने किस जाति या धर्म के लिए कहा, उसने कहा इसने धर्म और जाति की बात क्यों कही। तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसी, कई राज्य ऐसे हैं जहां धर्म और जाति की राजनीति नहीं चल रही है। हम भी अगर ऐसा ऐसा परिपक्व होंगे, मेच्योर होंगे, अपनी मेच्योर डेमोक्रेसी को और मेच्योर करेंगे, धर्म और जाति के भेद से ऊपर उठेंगे, यकीन मानिए भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे महान डेमोक्रेसी है, और इसकी महानता हमारे और आपके हाथ में है। हम इसे और महान बना सकते हैं या हम इसे और खराब कर सकते हैं। और जो भी भविष्य के राजनेता, भविष्य के सांसद इसको सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में इसको उतारे, अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। अब क्योंकि सवाल जवाब भी लेने, तो मैं सवाल जवाब भी लूंगा। तो शुरुआत करते हैं सवाल जवाब से। कोई सवाल अगर है लोगों के तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कुछ कमेंट आए हैं तो मैं वो देखता हूं। एक सवाल है जूलियन ऑस्टर, ये पूछ रहे हैं राजनीतिक पार्टी को चुनाव में ही जाति धर्म क्यों याद आता है, इसको रोका कैसे जा सकता है? राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में याद आता है और जनता को शादी के समय याद आता है, विवाह के समय याद आती है जाति धर्म, है नामकरण के समय याद आती है, या ऐसे समय पर याद आती है जब उन्हें अपने धर्म के धर्म गुरुओं से मिलवाना होता है, तब उन्हें अपनी जाति और धर्म याद आती है। तो हर एक का एक मौसम होता है, राजनेताओं का मौसम तो चुनाव का समय ही है, और ऐसा नहीं बाकी समय उन्हें याद नहीं आती है, लेकिन बाकी समय उसको उठा के उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम बटे हुए थे, उन्हें मालूम है हम बटे हुए हैं, उन्हें पता है कि इसका इस्तेमाल कब करना है। चुनाव में ही तो वोट चाहिए, वोट हर समय तो नहीं चाहिए, और जहां हर समय वोट होती रहती है, क्योंकि हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, निगम पार्षद, कोई ना कोई चुनाव कभी ना कभी होता रहता है, और जब जब चुनाव होता है मुद्दा उठता रहता है, और पिछले 70 साल से उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनका फसल का समय है, सीजन है उनका, जैसे किसान का फसल का समय होता है, ऐसे राजनेताओं की फसल का समय तो राजनीति का समय, चुनाव का समय ही है ना, तो और कभी क्यों उठाएंगे? ये तो आपको सोचना चाहिए ना, ये सवाल आपको मुझसे नहीं करना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए, और सवाल नहीं करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि वाह राजनेता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये सही समय पर ही मुद्दा उठाते हैं, इस मुद्दे को खत्म करिए, तभी राजनीति से ये दूर होगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैंने इसका जवाब दे दिया कि कैसे दूर होगा। अगला सवाल है अल्ताफ मुलानी जी का, कुछ राजनीतिक पार्टियां धर्म के आधार पर वोट मांगती हैं और सत्ता की प्राप्ति कर लेती हैं, क्यों? तो उस मैंने कहा ना, हमारे देश में धर्म और जाति के आधार पर वोट बढ़ते हैं, वोट मिलते हैं, लोगों को भड़काना आसान होता है। क्योंकि एक और बड़ी समस्या है, और ये अच्छा प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है। असल में हम में से मैक्सिमम लोगों ने अपने धर्म को पढ़ा नहीं है, हम धर्म को मानते तो है, जानते नहीं है,
काश कि हम धर्म को जान लेते, और अगर हमने धर्म को जान लिया होता ना तो हम धर्म के आधार पर लड़ते नहीं, कि कोई भी धर्म हमें लड़ने की बात नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ये शिक्षा नहीं देता कि आप लड़ाई झगड़ा करिए, आप पर्टिकुलर धर्म के लोगों को मारिए। कोई भी धर्म, आप हिंदुइज्म की बात करिए, आप इस्लाम की बात करिए, क्रिश्चियनिटी की बात करिए, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सिखिज्म, किसी भी धर्म को पढ़ लीजिए, कोई धर्म कभी नहीं कहता। प्रॉब्लम क्या है, जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं होते। काश कि उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़ लिए होते तो वो ये काम नहीं करते। अगर धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे उनकी व्याख्या जो गलत कर दी जाएगी वही मान लिया जाएगा। और मैं आप सबसे अपील करता हूं, अगर वाकई आप जानना चाहते हैं किसी भी धर्म को, उस धर्म के धर्म ग्रंथ को जरूर पढ़िए, भगवद गीता को पढ़िए। अगर आपको हिंदुइज्म को जानना है, हिंदुइज्म को जानना है तो किसी हिंदू के चेहरे को मत देखिए, किसी पार्टी या सत्ता में रहने वाले या विपक्ष वाले किसी भी नेता के बारे में मत बात करिए कि वो धर्म के बारे में क्या कहता है। आप जीवन देखना है तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, आप जीवन देखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जीवन देखिए, श्री राम ने किस तरह का जीवन जिया है, वो आदर्श जीवन है। उस धर्म ग्रंथ को पढ़िए, भागवत गीता जो आधार है हिंदुइज्म का। ऐसे अगर इस्लाम को जानना है तो किसी इस्लाम के फॉलोअर को, किसी मुल्ला मौलवी को मत देखिए, किसी मुसलमान को मत देखिए। जीवन देखना है तो प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद साहब का जीवन देखिए, उन्होंने कैसा जीवन जिया है। अगर इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़िए, वो कुरान बेस है उस धर्म का। क्रिश्चियनिटी को जानना है तो जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह के जीवन को देखिए, उन्होंने कैसा जीवन जिया है, उनके धर्म ग्रंथ को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए। सिखिज्म को जाने तो गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए, गुरु नानक देव जी का जीवन देखिए, कैसा आदर्श जीवन उन्होंने जिया है, तब आपको पता चले एक्चुअल में सिखिज्म क्या कहता है, एक्चुअल में हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। प्रॉब्लम क्या, हमारे पास समय नहीं है ना। हम जितनी धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, मैंने सेमिनार में सेंटेंस बोला है कि हम लोग धर्म के बारे में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसके बारे में वाद विवाद करेंगे और धर्म के लिए मरने मिटने को भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन धर्म के अनुसार जीवन बसर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर धर्म के हिसाब से, धर्म के अनुसार जीवन बसर कर लिया होगा तो लड़ाई झगड़े की, वाद विवाद की जरूरत ही नहीं है। धर्म तो सबको साथ लेने का काम करता है। वसुदेव कुटुंबकम, हिंदुइज्म क्या कह रहा है, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही हमारा घर है। हैं? इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है यदि आपका पड़ोसी ने खाना नहीं खाया और आपने खाना खा लिया तो ये हराम हो गया। और पड़ोसी कहां, 50 घर इधर 50 घर सामने 50 घर पीछे। अच्छी बातें लीजिए हर धर्म की, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमें धर्म को जाना नहीं है, मान लिया। मैं चाहूंगा कि आप धर्म को जानना शुरू करें, अपने धर्म को भी जाने, दूसरों के धर्म को भी जाने, ताकि आपको उसके पीछे का बेस पता चल सके, वो धर्म में जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो विश्वास है, उनका आधार क्या है, ताकि शायद आप परिपक्व हो पाए, मेच्योर हो पाए और आप अपने धर्म को साथ साथ दूसरे धर्म को जाने तो आपको स्पेस दे पाएंगे आप दूसरे व्यक्ति को भी अपनी आस्था, अपनी पूजा पद्धति, अपने तरीके से अपने ईश देव, अपने ईश्वर, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, उसकी आराधना करने के लिए। मैं समझता हूं कि आपके सवाल का जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारे पास, विपुल सोनी पूछ रहे हैं, लोगों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए क्या किया जाए। विपुल, इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको, और कभी इस पर सेशन करेंगे। आज का जो विषय है वो जाति धर्म पर है, अगर सवाल उस पर रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी आने वाले समय में बताएंगे कि अपने साथ लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर पूरे इस विषय पर ही पूरी ट्रेनिंग लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं समझता हूं कि जिस विषय पर बात हो रही है उस पर पूरी बात हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगला सवाल है मनोज सिंह जी का, अपनी टीम के अंदर से भेदभाव कैसे मिटाया जाए। अच्छा सवाल है मनोज जी। देखिए ऐसा है, किसी भी टीम में, किसी भी नेता की टीम में भेदभाव कम होता है, दो कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है कि नेता खुद भी भेदभाव कर रहा होता है। अच्छा, उस टाइम पर उसको क्या लग रहा होता है कि जब मैं भेदभाव कर रहा हूं तो मैं सही हूं क्योंकि मैं लीडर हूं, लेकिन जब मेरी टीम वही भेदभाव कर दे तो गलत नहीं। जैसा नेता होगा वैसी टीम वो क्रिएट करेगा, वैसे ही रिफ्लेक्शन उस टीम में होगा। फिर भी ये पहला रीजन है, हो सकता है कि आपने कभी कोई ऐसा भेदभाव किया हो या करते हो, या आपके मन में कोई ऐसी भावना हो जो भावना टीम के लोगों को दिख गई हो, दिख जाती हो। अगर ऐसा है तो उस भावना को हटाइए, मिटाइए, अपने आप को ठीक करिए। दूसरा रीजन एक हो सकता है, अगर मान लीजिए रीजन नहीं है तो एक बड़ा रीजन और हो सकता है, क्या, टीम में आपने गलत व्यक्ति को ले लिया हो, जो व्यक्ति रिजिड है किसी आस्था को, किसी विश्वास को लेकर के, उसके अपनी सोच इतनी रिजिड है कि उसको आप बदल नहीं पा रहे। तो बेहतर यह होगा लीडर के नाते ऐसे व्यक्ति को टीम में ना रखा जाए, ये व्यक्ति आज नहीं तो कल टीम को तोड़ेगा ही। तो बेहतर क्या है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए जो धर्म, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर जो आपको लगता है भेदभाव कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए, उनको समझाइए, उनसे बात करिए, उनके माइंडसेट को देखिए, उनके दिमाग में क्या है। हो सकता है कोई गलत फहमी, हो सकता है किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म से वो इसलिए नफरत करते हो क्योंकि उस धर्म जाति के लोगों ने उनके साथ कुछ गलत किया हो,
अगर गलत किया हो तो भी उन्हें समझाइए कि जिस व्यक्ति के साथ आप भेदभाव करें उसने गलत नहीं किया, गलत उसकी किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, हो सकता है उसकी जाति का ना हो लेकिन उस जाति का उसमें कोई रोल नहीं, समझ जाए ठीक है, वरना ऐसे लोगों को दूर रखिए क्योंकि ये लोग आज नहीं तो कल टीम को तोड़ेंगे, क्योंकि वो जो मन में मान बैठा है कि सामने वाला गलत है, जाति या धर्म के लोग गलत हैं, वो आसान नहीं होता है उसके दिमाग से वो निकालना, और वो पता नहीं कब से है, हो सकता है उसके घर में हो सकता है कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा हो, उस जहर को निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। तो बेहतर होगा एक राजनेता ऐसी अपनी टीम में लोगों को आइडेंटिफाई करें और फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उनको साइडलाइन करने का काम करें, क्योंकि ये लोग ज्यादा दिन नहीं चलने वाले, आज नहीं तो कल टीम को तोड़ेंगे ही, नुकसान ही करेंगे। मैं समझता हूं ये आपके सवाल का जवाब रहेगा। आगे और सवाल देखते हैं, और कोई सवाल है जी? एक प्रश्न और है मेरे पास, हरीश जी का सवाल है, लोगों की मानसिक सोच यही क्यों है कि जो जिस समुदाय का है वह केवल उसी समुदाय के का हित सोचता है, राष्ट्र को सर्वोपरि क्यों नहीं मानता? अच्छा सवाल है हरीश, होना तो यही चाहिए आइडियली कि देश सबसे पहले है, क्योंकि देश है तो हम है ना, अगर देश ही नहीं है तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात यार, हम है कौन, हमारी पहचान क्या है, ये भारत ही तो हमारी पहचान है, भारतीय होना ही तो पहचान है। लेकिन ये तुम जो बात करो ये आइडल सिचुएशन की बात करो, आदर्श स्थिति ये होनी चाहिए बट ये नहीं है। आपका सवाल है क्यों नहीं है, मैंने इसका जवाब शायद दे दिया, हम धर्म को जानते नहीं है, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, हमें धर्म को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और अपने ही दूसरे के भी, और दूसरा लोगों से बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, अपने मन में आए सवालों का खुद नहीं ढूंढने चाहिए। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति, जाति के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना है, कोई गलत सोच है, कोई उनकी नीति है या कुरीति है जो मुझे लगता है कि इस रीति या कुरीति को नहीं होना चाहिए उनके धर्म में, मुझे उसका आधार नहीं मालूम है, अच्छा मैं अपने मन में बैर लेकर बैठ गया क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं, काश के मैं पूछ लेता किससे, उनके धर्मगुरु से। अब आप अगर मान लीजिए आप इस्लाम के फॉलोअर हैं तो आप क्या मंदिर नहीं जा सकते? जाइए मंदिर, जाइए पुरोहित से, पंडित जी से मिलिए, उनसे बात करिए, गुरुद्वारे जाइए, ग्रंथी जी से बात करिए, चर्च जाइए, पादरी से बात करिए, फादर से बात करिए, आप इस्लाम को मानते हैं या हिंदुइज्म को मानते हैं तो आप मस्जिद जाइए, इमाम साहब से बात करिए, उनसे पूछिए कोई डाउट है तो, और हो सकता है कि आपके डाउट क्लियर हो तो आपके मन में भी वो जो भेद था या जो मन में बैर था वो शायद निकल जाए, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम क्या है, हम सवालों के जवाब नहीं खोजते, और खोजते भी कहां से, ऐसे रिसोर्सेज या सोर्सेज से, ऐसे लोगों से जिन्हें खुद नहीं पता। और मानो मुझे किसी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से उस धर्म के बारे में पूछ रहा हूं, उसे भी नहीं है जानकारी या गलत जानकारी है, तो नुकसान हो जाएगा। तो बेहतर ही होगा आप जानकारी इकट्ठा करिए, जानिए, पता करिए, और वो लोग जब ऐसा करेंगे, जानेंगे और आप भी जानेंगे, और जब मैंने कहा कि जब आप दूसरे धर्म जाति के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके साथ घुल मिल करके रहेंगे, तो एक ही एक बड़ा बदलाव समाज में आएगा, और ये बदलाव आने वाले समय में शायद समाज में दिखेगा, तो शायद 10, 15, 20, 30 साल बाद, शायद हमारे जाने के बाद इस दुनिया से, शायद तब ये भेदभाव कम हो जाए। कोशिश करनी चाहिए, मुश्किल तो है यकीनन, एक टफ काम है जो हम लोग कर रहे हैं, बट कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो आज के लिए मैं समझता हूँ यही सेशन को एंड करें, क्योंकि समय भी हो गया, आधे घंटे का समय था, ऑलरेडी लगभग आधा घंटा हो चुका है। कोई भी और कोई किसी मन में कोई सवाल हो या कोई प्रश्न हो या कोई पूछना चाहते हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को रेगुलरली फॉलो करिए, कमेंट में क्वेश्चंस लिखिए और टॉपिक भी लिखिए, अगले सप्ताह का टॉपिक लिखिए कि अगले सप्ताह क्या टॉपिक होना चाहिए, आप कौन से और टॉपिक पर और विषय पर सुनना चाहते हैं मुझसे और ट्रेनिंग के बारे में या मेरी राय लेना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उस विषय पर राय रखूं, बट वही रिक्वेस्ट करूंगा कि राजनीति संबंधित सवाल होने चाहिए ताकि राजनेताओं को, भविष्य के राजनेताओं को सीखने को मिल सके। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।